हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी केयर में। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब आकर जब कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो हम लोग उस समय उसे फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, वर्कर्स विल अस्क फॉर मोर वेजेस, तो यहाँ पे जो अस्क फॉर है वो हो गया आपका फ्रेजल वर्ब। अस्क जो है वर्ब है और फॉर जो है एक प्रीपोजिशन है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अस्क मतलब होता है पूछना और फॉर मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर अस्क फॉर एक साथ मिलकर कुछ अलग तरह का ही मीनिंग निकालता है, कुछ मुहावरेदार अर्थ व्यक्त कर रहा है उस समय, तो समझ जाएंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की ओर, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल टू, दे विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक टुमारो, तो इस सेंटेंस में कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल थ्री, यू शुड होल्ड इन योर टेम्पर, तो इस सेंटेंस में होल्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब की ओर। फ्रेजल वर्ब आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज, मतलब तीन तरह से हम लोग बना सकते हैं फ्रेजल वर्ब को। नंबर वन, वर्ब प्लस एडवर्ब। नंबर टू, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। एंड नंबर थ्री, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो पहला कैटेगरी जो है उसका कुछ एग्जाम्पल देखें। ही गेट्स अप एट 6 इन द मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है और जहाँ पे गेट जो है वर्ब है और अप एक एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रिंग डाउन द गन, ब्रिंग प्लस डाउन। ब्रिंग डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे भी ब्रिंग एक वर्ब है और डाउन जो है एडवर्ब है। चलते हैं दूसरे कैटेगरी पे, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन पे। डोंट लाफ एट द पुअर पीपल, तो यहाँ पे लाफ एट जो है एक फ्रेजल वर्ब है, समझ में ही आ रहा है क्योंकि लाफ एक वर्ब है और एट जो है एक प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल टू, ले बाय समथिंग फॉर फ्यूचर, तो इस सेंटेंस में ले एक वर्ब है और बाय प्रीपोजिशन है। कैटेगरी थ्री, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, लुक डाउन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जहाँ पे लुक वर्ब है, डाउन एडवर्ब है और अपॉन जो है प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल टू, सी वाज केप्ट इन फॉर एन आवर, यहाँ पे केप्ट इन फॉर एक फ्रेजल वर्ब है और केप्ट जो है एक वर्ब है, इन एडवर्ब है और फॉर प्रीपोजिशन है। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं एंड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब की ओर। देर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब तो हम लोगों को पता ही है, वर्ब के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो वैसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कह देते हैं। तो सिमिलरली फ्रेजल वर्ब इज ट्रांजिटिव व्हेन इट एज एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रेजल वर्ब के साथ तो समझ आएंगे ये ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल, दे ब्रॉट अबाउट अ चार्ज, जो ब्रॉट अबाउट है उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है अ चार्ज, तो ये हो गया ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट है, रिया कैरीड ऑफ ऑल द प्राइजेस, कैरीड ऑफ जो एक है फ्रेजल वर्ब, इसके साथ ही एक ऑब्जेक्ट है द प्राइजेस, ऑल द प्राइजेस, तो जो कैरीड ऑफ है उसको क्या बोल देंगे, एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। अब चलते हैं इन ट्रांजिटिव की ओर। एक वर्ब किसी सेंटेंस में बिना किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग लाने का काम करता है तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्लियर हो। उसी तरह फ्रेजल वर्ब में भी वही होता है, एक फ्रेजल वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता दे तो हो गया वो इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल्स, माई हेल्थ हैज़ ब्रोक डाउन, हाउ डिड दिस इवेंट कम आउट, फर्स्ट सेंटेंस में ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है लेकिन उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन एक पूरा मीनिंग आ रहा है। ब्रोक डाउन मतलब होता है गिर जाना, यानी कि मेरा तबीयत या स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया या गिर गया है, तो एक पूरा मीनिंग आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
हाउ डिड दिस इवेंट कम आउट, तो इस सेंटेंस में भी कम आउट जो है एक इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे कम अबाउट मतलब होता है होना, और तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि ये घटना कैसे हो गया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और हम लोगों को पूरी तरह से एक कंप्लीट मीनिंग समझ में भी आ गया, और कम अबाउट जो है एक इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। अब हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब और उसके यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे केयरफुली नोट डाउन कर लेना और देखना कि किस तरह से ये जो है डिफरेंट तरह का मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ एक इडियमेटिक सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि मुहावरेदार सेंस आ रहा है इन सभी वर्ड्स से। नंबर वन एक्ट, एक्ट से पूरा 6 फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्ट आफ्टर, मीनिंग है एट अकॉर्डिंग टू, यानी कि अनुसरण करना। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल दें तो यू मस्ट एक्ट आफ्टर योर कॉन्साइंस, मीनिंग हो रहा है तुम्हें अपने कॉन्साइंस के अनुसार ही काम करना चाहिए या एक्ट करना चाहिए। एक्ट ऑन मीन्स कैरी आउट, मतलब होता है अनुसार काम करना। यू शुड एक्ट ऑन योर फादर्स एडवाइस, हो रहा है तुम्हें अपने पिता के सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। एक्ट अपॉन मीनिंग है अफेक्ट, हिंदी में अगर हो तो असर डालना। ओवर ड्रग्स एक्ट्स अपॉन आवर हेल्थ, ज़्यादा ड्रग्स हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। एक्ट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ, बदले में, इसका एग्जांपल अगर देखें तो द डेप्यूटी एक्ट्स फॉर हिज चीफ, मतलब जो डेप्यूटी है वो जो है अपने चीफ यानी कि मुख्य अधिकारी के बदले में काम कर रहा है या एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्ट अंडर, मीनिंग होता है फॉलो, और हिंदी में देखें तो आदेश। द वर्कर्स एक्टेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरवाइजर, मीनिंग क्या हो रहा है, जो वर्कर्स है वो अपने सुपरवाइजर के ऑर्डर पे ही या उनके आदेश पे ही कोई काम करते हैं। एक्ट फ्रॉम, डू आउट ऑफ, किसी कारणवश, हिंदी मीनिंग। ही एक्टेड फ्रॉम फियर रेदर देन फ्रॉम ड्यूटी, वह अपने कर्तव्य का कारण नहीं बल्कि डर के कारण काम कर रहा है, डर के कारणवश काम कर रहा है। फ्रेजल वर्ब लिखते समय किसी सेंटेंस में हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब अपने सब्जेक्ट या नाउन उसके अनुसार ही बैठता है। जैसे कि नंबर 5 एग्जाम्पल में द वर्कर्स एक्टेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरवाइजर, यहाँ पे एक्टेड था ईडी, तो एक्ट अंडर लिख देना चाहिए था लेकिन एक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग हमेशा एक्ट के बाद ईडी लगाते हैं, तो इसीलिए वर्कर्स एक्टेड। इम्पॉर्टेंट नोट, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो नोन एज प्रीपोजिशनल वर्ब, यानी कि जब वर्ब और प्रीपोजिशन एक साथ रहता है तो उसको हम लोग प्रीपोजिशनल वर्ब भी कह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में कुछ ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशनल वर्ब को इस्तेमाल करना है, तो उस समय हम लोग ये समझ जाएंगे कि फ्रेजल वर्ब ही है ये, बस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इक्वल्स टू प्रीपोजिशनल वर्ब होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।